Hey, so guys, Harshad Balam back in the new year. आज अब हम बात करेंगे IRFC IPO के बारे में. सेकेंड डे ऑफ सब्सक्रिप्शन डेटा आ चुका है. मैंने कल आपको कहा था कि रुको, सब्सक्राइब करने की जल्दी मत करना, एंड आई गेस आई वॉज राइट. इसलिए क्योंकि आज का सब्सक्रिप्शन डेटा देख के मुझे बुरा लग रहा है. सब्सक्रिप्शन डेटा छोड़ो, यहाँ पर मुझे ग्रे मार्केट प्राइस देख के और बुरा लग रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो थी वो यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही. रिटेल का खुद का 2.22, यानी हम सभी का 2.22, यानी हम जैसे लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है. एम्प्लॉयज़ बस 27.41% हुआ है. नॉन इंस्टीट्यूशन 0.24, क्वालिफाइड बिल्कुल भी नहीं. एंड ओवर सब्सक्राइब तो हो गया 1.22, बट ना इंस्टीट्यूशन आए ठीक से, ना क्वालिफाइड आए, ना रिटेल ठीक से आए हैं. तो ये बुरी बात है, वो ठीक है एक बार के लिए, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर चुका है. अभी बस 600 रुपये पर लॉट आपको प्रॉफिट मिलेगा, यानी जो बहुत ही ज़्यादा कम है. एक्सपेक्टेशन यहाँ पर 7-8 हज़ार की थी ग्रे मार्केट प्रीमियम में, एंड 600 रुपया एंड एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है. जो हाइप क्रिएट हुई थी यानी IRFC का IPO हो गया, मोनोपोली हो जाएगी, ये वो एक्सेट्रा, वो सब डाटा देख के ऐसा लग रहा है कि वो बस क्रिएट की गई थी. एक्चुअल में यहाँ पर IPO के टाइम पे वो जो एनर्जी थी जो पहले देखने को मिल रही थी कि चलो IRFC का IPO हो गया, अभी तुम बहुत कमाएंगे, वो नहीं देखने को मिल रही. ऐसा लग रहा था कि एक टाइम पे रिटेल को बिल्कुल भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाएगी, लेकिन 2.22 टाइम्स हो गया है. सिर्फ रिटेल का ही 2.22, यानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है. फिर भी लास्ट डे है, होप नहीं छोड़ेंगे, लास्ट डे को देखेंगे कैसा होता है. अभी आप बोलोगे कल तो लास्ट डे, कल कब देखेंगे रोहित, अभी बता दो. तो यार इतना कम डेटा में मैं आपको बाय करने नहीं बोल सकता. ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अगर अच्छा खासा होता तो मैं बोल भी देता, लेकिन अभी एक ही बात बोल सकता हूँ कि रुकना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि डाटा ठीक से आया नहीं है. इसलिए कल दोपहर तक हम देखेंगे, क्योंकि उसी के टाइम में एक तो डिसीजन तो लेना है. कल दोपहर तक तो हमें डिसीजन लेना है, क्योंकि उसके बाद तो हमारे पास टाइम नहीं रहेगा. इसलिए कल 12 बजे 1 बजे तक हम देखेंगे कि कितना आता है. मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो, शायद मेरा फेस कैम ना आए, बट एक नॉर्मल वीडियो लाने की ट्राई करूँगा. डेटा कैसे आया है कल 1 बजे तक, मोस्टली एक बजे तक, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना. बाद में अनसब्सक्राइब कर दो, कोई टेंशन नहीं. मुझे नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं आपके लिए बोल रहा हूँ. बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, कोई टेंशन नहीं है मुझे. बट मैं आपको ये डेटा देख के बाय करने का रिस्क नहीं दे सकता, क्योंकि अभी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है. इसलिए क्वालिफाइड 0.00 है, नॉन इंस्टीट्यूशन 0.24 है, मैं आपको बाय करने कैसे बोल दूँ. लास्ट डे पे ये आएंगे, ये यूजुअली आते हैं, ये सभी को पता है. ये अभी हम नए नहीं रहे, हमने बहुत से IPO देख लिए. मैं तो स्टॉक मार्केट में 4 साल का देख रहा हूँ. 4 साल पहले ज़्यादा IPO आते नहीं थे, अभी बहुत से आ रहे हैं. बट जो नए नए लोग हैं उन्हें भी अभी पता चल गया है कि लास्ट डे यूजुअली मोस्टली आते हैं. तो फिर भी हम देखेंगे, एक उम्मीद है बनी हुई लास्ट डे को कि कैसे आते हैं, क्या होता है. 1 बजे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, यानी अराउंड 12:30 तक मैं देखूंगा कैसा आ रहा है. फिर 1 बजे तक वीडियो आ जाएगी, आपको फाइनल डिसीजन तभी बताऊंगा, क्योंकि अभी तक मेरे यहाँ तो नो है. एक डेढ़ दिन बाकी है इसलिए उम्मीद बनी हुई है, बट अभी करंटली नो है. लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो स्टिल वेल एंड गुड, बट अगर लिस्टिंग गेंस नहीं मिलेगा, नीचे लिस्ट होगा, तो अभी IPO लेके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि नीचे जाएगा तो आप नीचे जाके ही बाय कर लो ना, क्यों लॉस कराओगे. ऐसी भी बात होगी. ओके, तो इसलिए रैशनली अगर हम सोचे तो अभी फिलहाल करंटली नो है, बट कल का डेटा 1 बजे तक वीडियो अपलोड करने की ट्राई करूँगा, देखते हैं कैसा आता है. लास्ट डिसीजन तभी लेंगे, करंटली नो, क्योंकि ग्रे मार्केट भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, सब्सक्रिप्शन भी खराब आया है, इसलिए कह रहा हूँ. आई होप आप इसे एक एक्चुअल इन्वेस्टर की तरह सोच के लेंगे. आपने बस बाय किया, आपने बस लगाया है, इसलिए आप यहाँ पर आओगे और बोलोगे कि नहीं रोहित तो ऐसा कैसे बोल रहा है. ऐसा नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. अगर मैं आपको बाय करने बोलूँ और 0.00 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस है, जो एक्चुअली नॉलेजेबल लोग हैं, वो तो मुझे गाली देंगे, राइट? इसलिए करंटली नो, कल तक रोकेंगे, देखेंगे क्या होता है. टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दूंगा, वीडियो भी मोस्ट प्रोबेबली डालने की कोशिश करूंगा, इसलिए रुको. ओके, आई होप आप सभी को ये एक्चुअली में सोच समझ के वीडियो समझा होगा. इट्स अ होस्ट विद पर्सन हैव सीन मैन नेक्स्ट.